तो गाइस ये कमेंट और आया हुआ था, भाई इसके माँ बाप नहीं है, आप बड़े हो, माँ बाप बन के रहना चाहिए। तो मैंने ना आज तक ऐसा कोई भी काम नहीं किया जिसमें मैंने इनकी माँ का दर्जा नहीं निभाया हो, जैसा भी मेरे को लेन देन। देखो मेरे पास ज़्यादा तो है नहीं, मैं कम देती हूँ तो ये बोलते हैं ना मेरे को नहीं लेना, मेरे को नहीं लेना, लेने देने से कोई बड़ा नहीं बनता, हम लेने के भूखे नहीं। ये है क्या दिया है, क्या दिया है, ठीक है। मम्मी मरने के बाद हम कुछ नहीं लेकर गए। देखो ये बात, अगर जितनी बढ़ाई तो उतनी बढ़ेगी और जितनी घटाई तो उतनी घटेगी, ठीक है। तो हर बार जब भी आते हैं दीदी और कोई ना कोई बात, कोई ना कोई मेरे बच्चों पर टोंट मार देना, कोई मेरे बच्चों को ऐसी बात कह देना, फिर बच्चे बोले तो फिर ये कह दे बाप की तरिया बोला, फलाना बोला, दकड़ा बोला है, हैं इधर उधर की बातें, कदे मेरे बारे में कुछ कह दे, हैं तेरा घमंड हो रहा है, तेरा ये है वो है। तो गाइज आप ये बात बताओ, मेरा घमंड किस चीज़ का, क्या मेरे पास जो मेरे पास घमंड होगा। माई का मेरा गरीब है, मैं माई के जाऊँगी, मैं मेरा माई का दिखाऊँगी, फिर देखना आप। क्योंकि सबसे ज़्यादा तो मेरे को इसलिए सुनाया जाता है मैं चुप रहती हूँ, क्योंकि मेरा माई का पीछे गरीब है, वे मेरी ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकते, ठीक है। सबसे ज़्यादा मेरे को ना बहुत बार सुनाया गया है, मैं हर बार चुप रहती हूँ ना, जिस मजबूरी में जिस हालत में मैं रही हूँ ना, 18 साल कोई रह कर दिखा दो, ठीक है। जिसके घर में सब कुछ होते सुहाते भी बंदे निकल जाते हैं घर से, और हम तो हमारे घर में मैंने खुद मेहनत भी की है, ठीक है, मैंने मेहनत करके भी अपना घर पाला, फिर मैं अपने घर से नहीं निकल गई, ना मैं मेरे बच्चों को छोड़ कर गई, ना मैं मेरे पति को छोड़ कर गई। मेरा पति जैसा भी है, मेरा पति है, मैं उसको कभी भी छोड़ कर नहीं गई, कभी भी उसको मजबूरी में दुख में नहीं छोड़ गई है। चाहे उसकी बीमारी लगा लो, चाहे उसका नशा लगा लो, चाहे उसकी गंदी आदत लगा लो, कुछ भी लगा लो। तो गाइज कमी बस इतनी है, हम कोई रोका बता देता है और हम रोते नहीं ब्लॉग में, ठीक है, ना हम रोते हैं, ना हम ओवर एक्टिंग करते हैं, ना हम कोई एंड वैंड चीज़ दिखाते, ठीक है। जैसे हम हैं ना वैसा ही ब्लॉग दिखाते हैं, इसमें भी लोग कहते हैं बकवास ब्लॉग है, भाई हमारे से जैसा बनता है हम वैसा बना लेते हैं, बकवास है जैसे। और किसी का और भी कॉमेंट था, भाई तेरा पति इतना नशेड़ी है, तू पिछले जन्म की सजा भुगत रही, आगे तो अपने कम से कम सुधार ले। तो ये बात बताओ, ये किसी के हाथ में, कि आपने कोई ऐसा काम नहीं कर रखा, अगर मेरा पति है तो मैं आपसे कुछ कहती हूँ, हैं। मेरे पास एक सूट है, दो सूट है, कल ये भी बोल रखा था, एक ही सूट में वीडियो बनाती रहती है, ठीक है। तो आप ये बताओ, जितना हमारे पास है हम उसमें खुश हैं, हम मेरे बच्चों के साथ खुश हूँ मैं अपना छोटा सा मकान में, तो अभी आपको इतनी प्रॉब्लम हो रही है, आपने इतने गंदे गंदे कॉमेंट कर दिए। किसी ने भी ये सोचा है क्या सच्चा है और क्या झूठ है, और क्या मैंने गलत बोल रखा, दो दिन जो मैंने ब्लॉग में बोला था, दो दिन का नाम आ रहा है, सिर्फ मैंने एक बार बोला था, एक बार मैं बार बार यही बोल रही हूँ, भाई खुद दीदी ने बोला था, चैनल मेरा दोहरा है, फिलहाल मैं उस पर वीडियो नहीं डालूंगी, क्योंकि ना उसने कह दिया मैंने चैनल खोल कर दिया। ये बात इनकी वहाँ हुई है, मेरे को तो नहीं पता था इनकी क्या बातें हुई क्या नहीं। आप सिर्फ एक तरफ की बात सुन के इतना कर देते हो, इतना बोल देते हो एक दूसरे को। अब की बार मेरी कौन सी गलती थी जो आप लोगों ने इतने गंदे गंदे कॉमेंट किए हैं। लड़ाई इन बहन भाइयों की हुई थी, उधर चंडीगढ़ हुई थी ना हुई थी, किस बारे में हुई थी किस बारे में नहीं हुई, मेरे को इस बात का कुछ भी नहीं पता है, ठीक है। वहाँ का सारा कलेश, वहाँ की सारी लड़ाई, सारी सब ने मेरे ऊपर डाल दी है। पीछे कई साल पहले, 5-6 साल पहले भी इनकी लड़ाई हुई थी, उस टाइम भी मेरे को गलत साबित किया था, भाई मैं गलत हूँ, क्योंकि मैं गलत क्यों साबित हुई थी, मैंने ये बोल दिया था नहीं दीदी अगर लेने आए तो आपको एक मौका देना चाहिए था, ठीक है। फिर ये तो बाण भाई वापस एक केक हो गए, बदनाम किया मेरे को, ठीक है। अब फिर वही बात होने लग रही है, तो सारे बोल रहे हैं मैं संदीप किसी काम में बोल रही हूँ, संदीप किसी काम बोल रही, मेरी इतनी लंबी जबान हो गई है, ये हो गई है ना, तो मैं संदीप किसी काम में बोल रही, ठीक है, और ना मेरी इतनी लंबी जबान, पर मैं सच्चाई बता रही हूँ आपको। या तो आप सच खुद देखो, इतने हमने 1 साल हो गए ब्लॉग बनाते, हमने किसी के बारे में उल्टा बोला हो, सीधा बोला, हमने कोई गलत दिखाया हो ना दिखाया हो, मैं मेरे घर में गरीब से घर में रह रही हूँ, मैंने कोई ओवर एक्टिंग की हो, अरे मेरे से तो आप लोगों को कई को इस बात से भी दिक्कत है, भाई मैं अब मेरा पति तो वहाँ रहता है, मैं यहाँ पे तैयार होकर रहती हूँ, ये बात बताओ आप, मैं क्या तैयार होकर रहती हूँ। आप उन लोगों को नहीं देखते जो अपने पति के साथ भी नहीं रहती और वे भी बनठन के रहते। मैं फ़िलहाल मेरे बच्चों के साथ रह रही हूँ, और जितना प्यारा मैंने मेरा पति है ना, उससे ज़्यादा मैंने किसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और उससे पहले भी कई बार मेरे घर आए, रक्षाबंधन पे भी आए हैं, और भी पहले भी आगे पीछे भी आए हैं। आपने कौन सा गिफ्ट देखा जो मेरे बच्चों के लिए गिफ्ट लेके आए हैं? अगर हम इतने भूखे होते तो मांग इतने भूखे आके हम जो इनसे गिफ्ट मांगेंगे,
हर किसी का हक होता है, बुआ का, चाचा का, ताऊ का, जब हम किसी के घर जाते हैं तो बच्चों का कुछ लेकर जाते हैं। फिर मेरे बच्चों ने कब मांगे और कब ये मेरे बच्चों के लिए गिफ्ट लेके आए हैं, किस दिन आपने ब्लॉग में देखा है कि मेरे बच्चों का गिफ्ट आया है। पिछली बार सुनीता दीदी आई, ये सारे पुराने कपड़े थे जो मुस्कान के छोटे कपड़े थे, दीदी ने बोले मुस्कान के हैं, मुस्कान अब डालती नहीं तो ये छोटे वाली मुस्कान डाल लेगी। कुछ वरदान के थे जो मुकुल के लेके आई थी, और सुनीता एक सूट मेरा सील के लेके आई थी, मैंने उसको पहले एक सूट दिया था मेरा, मैं बोली दीदी ये सूट सिल दो, दीदी ने बोली ये सूट अच्छा नहीं लगता, मैं तेरे लिए और सिल लाऊंगी। तो सर्दी का एक सूट दीदी मेरे लिए सिल के लेके आई थी, दो सूट सिल के लेके आई थी, बाकी सारे पुराने कपड़े थे जो मैंने पीछे आपने देखा दो कट्टे भर के मैंने वहाँ पहुँचाए थे। ठीक है, तो आप ना सच्चाई जाने बगैर सब न सारी सोशल मीडिया ने सिर्फ मेरे को बदनाम कर दिया, आपने साथ नहीं दिया दीदी का, साथ नहीं दिया दीदी का, साथ नहीं दिया। और एक बार मैंने दीदी को फिर भी कुछ नहीं कहा, और अगर हम इतनी छोटी सी बात भी बोल देने, पीछे इसके पापा ने बोल दी थी भाई सपना दीदी हमारे सत्संग में नहीं आई, दीदी ने उसी टाइम तुरंत फ़ोन करके इतनी सुनाई थी मेरे को, मैं कुछ नहीं बोली, उसी टाइम दीदी ने सुना दी तेरा बाप तेरी माँ मेरे को टिकने नहीं देते, ये नहीं देते, वो नहीं देते। एक बार पीछे आपने पता है रक्षाबंधन के पहले बात हुई थी, भाई दीदी और हमारे राखी बांधने नहीं आई, कई साल हो गए, और वाक्य में हो गए थे, कई साल हो गए थे दीदी और राखी बांधने नहीं आई थी हमारे पास। तो ठीक है, ये बात सिर्फ इसके पापा ने बोली थी, उस टाइम भी हमारे साथ इतना पतंगड़ किया था, जो मेरे ऊपर इतने सवाल उठाए गए थे, मैं रात को घर से निकाल दी थी, ये था वो था, और ये सारी बातें झूठ थी। ये बात बताओ, एक लड़की अपने मायके से ससुराल जाती है, वो अपने साथ अपना घर लेकर जाती है, उसका बाप उसको घर दिलाता है? आप ये बात ज़रूर बताना, फिर मैं इस बात का आपको जवाब दूंगी।